दोस्तों नमस्कार। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 11 जुलाई 1947 से मनाया जाता है, जब दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी, तब यह जनसंख्या दिवस इसके विकास एवं स्थिरता पर प्रभाव के जटिल मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समूची दुनिया को एकजुट करता है और वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों और अवसरों पर वैश्विक संवाद और कार्रवाई को उत्प्रेरित करता है। यह सतत और संतुलित भविष्य प्राप्त करने एवं शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 8 अरब 11 करोड़ 88 लाख के लगभग है, जो वर्ष 2023 से 0.91% के हिसाब से बढ़ी है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ 17 लाख है, जो वर्ष 2023 से 0.92% के हिसाब से बढ़ी है। भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन को पीछे छोड़कर विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 51 लाख है। जनसंख्या में वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डालती है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, उस गति से आर्थिक विकास एवं अन्य विकास नहीं हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या के रूप में बड़ी चुनौती है। बात जब जनसंख्या वृद्धि की हो रही है तो दुनिया में भारत की बढ़ती जनसंख्या न केवल चौंका रही है, बल्कि एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। भारत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है। परेशानी में डालने वाली इस खबर के प्रति सचेत एवं सावधान होने के साथ सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2023 में चीन से ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया था, जबकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2027 में भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। बढ़ती जनसंख्या की चिंता में डूबे भारत के लिए 4 साल पहले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होना कोई गर्व की बात नहीं है। भारत के लिए बढ़ती आबादी एवं सिकुड़ते संसाधन एक त्रासदी है, एक विडंबना है, एक अभिशाप है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु उसके नियंत्रण के लिए कोरे कानून एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता है। इसके लिए सरकार को जनसंख्या पर तुरंत पारदर्शी एवं सख्त नियंत्रण के कदम उठाने के साथ भारत के लिए प्रभावी जनसंख्या नीति को लागू करना होगा। आम जनता की सोच एवं संस्कृति में बदलाव लाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की 61% हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है, जहां कम आबादी है वहां ज़्यादा संपन्नता है। भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसी से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ने का कारण यही है, संसाधनों की किल्लत भी इसी से बनी हुई है। यही एक कारण भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए सरकार शीघ्र सुसंगत जनसंख्या नीति लागू करे। जिसको दिक्कत हो और ज़्यादा बच्चे पैदा करके मनमानी करनी हो, उसके खिलाफ कानूनी सजा के प्रावधान किए जाने चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सोच है कि अधिक बच्चे पैदा करके उनकी ज़िंदगी में कष्ट झोंकना। जब बच्चे को सुखी जिंदगी नहीं दे सकते, तो दूसरों के भरोसे उन्हें पैदा करने की प्रवृत्ति शर्मनाक है। यह देखने में आ रहा है कि आज के वैज्ञानिक युग में कुछ समुदाय बच्चे पैदा करने को लेकर रूढ़वादी नजरिया अपनाए हुए हैं, और उनकी प्रतिक्रिया में अन्य समुदाय के नेता भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करने लगे हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। इस तरह जनसंख्या बढ़ोतरी की पैरोकारी करने वालों की निंदा की जानी चाहिए, चाहे वे किसी मजहब के हों, क्योंकि देश की तरक्की की सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या ही है। भारत में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में राजनीति एवं तथा कथित स्वार्थी राजनीतिक सोच बड़ी बाधा है। जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों से भी यह स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती प्रांतों जैसे पश्चिमी बंगाल, आसाम, कश्मीर आदि में बाकायदा पड़ोसी देशों से घुसपैठ कराई जाती है और उन्हें देश का नागरिक बना दिया जाता है। यह एक तरह का जनसंख्या जिहाद है, क्योंकि इसके पीछे इसका छिपा हुआ मुख्य ध्येय है कि धर्मनिरपेक्षता को आगे करके भारत की जनसंख्या बढ़ाई जाए। हमारी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियाँ बहुत ही उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ाने की
रफ्तार को जरूरत के हिसाब से रोक नहीं पाए हैं। चीन ने सन 1979 में 1 संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की जरूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ के लगभग थी। चीन आबादी के मामले में कभी भारत से दोगुना था। 1950 के बाद दोनों देशों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980 में चीन 1 अरब जनसंख्या तक पहुंच गया। इसके ठीक 1 वर्ष पहले वहां 1 संतान की नीति लागू हुई थी। भारत साल 2000 में 1 अरब के आंकड़े को पार पहुंचा चुका था और अब चीन से आगे निकल गया है। चीन 1 संतान की नीति को 2016 में वापस ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ आबादी का नियंत्रण है, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय भावना, संस्कृति और सोच लोगों में बदलाव आ चुका है। लेकिन भारत में ऐसा न होने के कारण राजनीतिक एवं उसके द्वारा पोषित तुष्टिकरण की राजनीति है। इसके विपरीत विभिन्न मुस्लिम देश टर्की, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मिस्र, सीरिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब तथा बांग्लादेश आदि देशों ने भी कुरान, हदीस और शरीयत आदि के कठोर रूढ़वादी नियमों के बावजूद अपने अपने देश में जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित करने के कठोर कानून लागू किए हैं। भारत की स्थिति चीन से अलग है। चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास होने चाहिए। परिवार नियोजन से जुड़े परिवार को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए, स्त्री शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाया जाए, परिवार नियंत्रण के साधनों को मुफ्त में वितरित किया जाए, संयम को मंडित किया जाए और छोटे परिवार के लाभों को प्रचारित किया जाए, शारीरिक और बौद्धिक श्रम के फासलों को कम किया जाए, लोगों के आवास के लिए कृषि योग्य भूमि और जंगल को उजाड़ा जा रहा है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान तथा पर्यावरण की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम किसी तरह बढ़ती आबादी को रोकें। इसके लिए चीन के द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नियंत्रण नीति पर भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा विकास की जगह विनाश को लेते अधिक देर नहीं लगेगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।